राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी बात रखने के लिए संसद में कई बार कोशिश की और अडानी को लेकर राहुल गांधी ने कई बार सवाल भी उठाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने संसद में जवाब देना तक उचित नहीं समझा। क्या कुछ कहा प्रतिभा सिंह ने वो आपको सुनवाएंगे। हाल ही में पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखने के लिए बार बार ये आग्रह किया और कहा कि मैं भी कुछ पार्लियामेंट में कहना चाहता हूँ। उन्होंने उठकर अदानी जी के बारे में सवाल किए और प्रधानमंत्री जी के सामने कई प्रश्न रखे। ये कुछ प्रश्न है जो जिसके जवाब मैं चाहता हूँ। वो जानना चाहते थे कि क्यों अदानी जी को इस तरीके का फेवर दिया जा रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट्स बनाने की बात है, चाहे वो अन्य बिजनेस की कार्रवाई की बात है। उसमें भी बार बार ये देखने को मिल रहा था कि जो अदानी को ये आपने जंप दिया है, कहाँ थे वो और कहाँ से कहाँ पहुँचाए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर उनको साथ ले जा रहे हैं, विदेश यात्रा में बाहर के लोगों से उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वहाँ भी वो उनको कहा जा रहा है कि ये जो हमारे बिजनेस के बड़े भारी टाइकून है, इस तरीके की उनकी इंट्रोडक्शन बाहर के देशों में भी दी गई। तो इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि उनको प्रोजेक्ट किया जाए और उनको इन कामों को दिया जाए। भारतवर्ष में तो दे ही रहे हैं, परंतु विदेश में भी इस तरीके का उन्होंने कई जगह ये संदेश दिया है। और अब हम ये जो राहुल गांधी जी ने प्रश्न किया पार्लियामेंट में, उन्होंने ये बार बार पूछा और कम से कम 40-45 मिनट की जो चर्चा राहुल जी ने पार्लियामेंट में की, उसमें भी उनको बार बार यही प्रश्न पूछते गए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है और क्यों इनको प्रमोट आप कर रहे हैं, परंतु ना प्रधानमंत्री जी ने उसका कोई जवाब दिया। उनको आना चाहिए था, वो सदन में आकर, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में आकर, वो इस प्रेस इस बात को रखते और लोगों को आगाह करते कि ये कारण है या ये वजह है, परंतु लोग बड़े बेताबी से पार्लियामेंट के मेंबर्स इसका इंतजार करते रहे। पर प्रधानमंत्री जी ने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं जाकर इसका जवाब पार्लियामेंट में दूँ।